बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, भारतीयवाद बंद करो, बंद करो, बंद करो, श्रेणी के साक्षात्कार कराना बंद करो, बंद करो, बंद करो, श्रेणी के इंटरव्यू कराना बंद करो, बंद करो, बंद करो, एसएसपी भर्ती में धांधली करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, भर्ती में रिश्वतखोरी बंद करो, बंद करो, बंद करो, राज्य सरकार हाय हाय, गठबंधन सरकार हाय हाय, बीजेपी सरकार हाय हाय, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। सर खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े कर, हाँ महेंद्र सारे कर लेंगे ना, चलो बड़ी बात कर दे यार, ठीक है जी सर। देखिए एक सेकंड, एक सेकंड चलो चलो सर, करो करना, बाकी बाद में कर ले, हाँ बाद में करें जी सर। देखिए आज से दो वर्ष पहले 2015 में प्रधानमंत्री महोदय ने ये ऐलान किया था कि क्लास थ्री और क्लास फोर श्रेणी के गवर्नमेंट जॉब्स के लिए इंटरव्यू की प्रक्रिया जो है वो समाप्त कर दी जाएगी, और उसके बाद बार बार ये ऐलानात जो हैं वो प्रधानमंत्री के ऑफिस से हुए। लेकिन देखने में ये आया है कि जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा साक्षात्कार की प्रक्रिया को जो है वो ख़त्म नहीं किया गया है, और वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए इंटरव्यूज़ जो है जम्मू कश्मीर में आज भी लिए जा रहे हैं, और इसमें भारी मात्रा में धांधलियां हो रही है, भाई भतीजावाद हो रहा है, और रिश्वतखोरी जो है वो चल रही है। ये एक आम चर्चा का विषय है कि जो कम मेरिट वाले कैंडिडेट्स हैं उनको इंटरव्यू में ज़्यादा मार्क्स देकर सिलेक्ट किया जाता है, और मेरिटेरियस कैंडिडेट्स को जो है वो रिजेक्ट किया जाता है। दो दिन पहले पीएमओ ने भी इस बात की पुष्टि की जब डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने ये बयान दिया कि उन्होंने प्रधानमंत्री के ऐलान के बाद चार बारी चिट्ठी राज्य सरकार को लिखी कि इंटरव्यू बंद किए जाने चाहिए, लेकिन रियासती सरकार ने उसके ऊपर कोई कार्रवाई जो है वो नहीं की। इसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने चीफ सेक्रेटरी के साथ भी मुलाकात की और ये कहा कि इंटरव्यूज को बंद कर दीजिए, क्योंकि इसमें बहुत शिकायतें हैं और मेरिट को सबवर्ट किया जाता है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि इसके बावजूद भी सरकार ने इसका कोई संज्ञान नहीं लिया और इंटरव्यू